पुलिस ने युवक को पीट पीट कर मार डाला। कानपुर और गुरुग्राम से घूमने आए थे तीन दोस्त। होटल में चेकिंग करने गई पुलिस की पिटाई में एक की मौत हो गई। इंस्पेक्टर समेत छह पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। आपको बता दें गोरखपुर में मंगलवार को पुलिस की बबरता का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां कानपुर से घूमने आए मनीष गुप्ता 35 वर्षीय नाम के युवक को रामगढ़ ताल पुलिस ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि आधी रात को होटल में चेकिंग करने पहुंची पुलिस से उसने पूछा कि ये चेकिंग का क्या तरीका है, क्या हम लोग आतंकवादी हैं, आरोपी हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर रामगढ़ ताल जेएन सिंह और फल मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा भड़क गए। दोनों ने होटल में रूम बंद करके मरीज को जमकर पीटा। मौके पर ही मरीज की दर्दनाक मौत हो गई। शुरू में पुलिस ने मामले को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामला सुर्खियों में आने के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने रामगढ़ ताल इंस्पेक्टर जेएन सिंह, फल मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा और चार सिपाहियों समेत कुल छह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। दोस्तों संग गोरखपुर आया था घूमने। दरअसल गोरखपुर के रहने वाले चंदन सैनी ने बताया कि वह बिजनेस करते हैं। उनके तीन दोस्त गुरुग्राम से संदीप चौहान 32 वर्षीय और हरदीप सिंह चौहान 35 वर्षीय और कानपुर से मनीष गुप्ता 35 वर्षीय गोरखपुर घूमने आए थे। चंदन के मुताबिक सभी दोस्त रियल एस्टेट और अन्य बिजनेस करते थे। चंदन हमेशा अपने दोस्तों को गोरखपुर में हो रहे विकास के बारे में बताता रहता था। दोस्तों की काफी दिनों से प्लानिंग थी एक बार गोरखपुर घूमने जरूर जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से पहले नहीं आ सके, इसी बीच तीनों की गोरखपुर घूमने की प्लानिंग बन गई। सोमवार को वे तीनों अपने दोस्त चंदन सैनी ने मिलने और घूमने को गोरखपुर पहुंचे। रात 12:30 बजे चेकिंग करने पहुंची थी। चंदन ने दो दोस्तों को रामगढ़ ताल इलाके के LIC बिल्डिंग के पास स्थित होटल कृष्णा पैलेस के रूम नंबर 512 में ठहराया। दोस्तों ने भी दिखाया, उन्होंने भी दिखाया, उनके दो दोस्त हरियाणा के, उन्होंने मजाक भी बोल दिया कि हम क्या आपको आतंकवादी दिखते हैं। तो उन्होंने कहा हम पूरा कमरा चेक करेंगे। भाई हुआ चेक कर लो, चेक कर लिया। वो पुलिस वाले इतने खुन्नस होते कि गुस्से में देख रहे थे, बहुत बुरी बिहेव कर रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने बोल दिया भाई संतुष्टि होगी कि बाकी। उनका ये बोलना उन लोग के लिए काल हो गया, मेरे पति के लिए तो हो ही। फिर उन लोग पुलिस वालों ने सबको मारा, उसमें मेरे पति घायल हो गए, वहीं जमीन में गिर गए। उनका खुद खून बहा, पुलिस वालों ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। खून वहीं होटल पे ही बहा। हाँ होटल पे बहा। फिर बहुत देर बाद उन्होंने उस मनीष को उठाया, मेरे पति को उठाया, और बगल में जो पास वाला हॉस्पिटल था वहाँ लेके गए। तो वहाँ से उन्हें तुरंत रिफर कर दिया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, फिर लाकर यहाँ मेडिकल लाए यहाँ पे। लेकिन मेडिकल कॉलेज में आए नहीं थे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सूचना आई नहीं थी। हम लोग ने भी यहाँ लोग भेजे थे, लेकिन वो आए नहीं थे। और पुलिस वाले बार बार कह रहे हम इलाज करा रहे हैं, वो रिकवर कर रहे हैं, वो ठीक हैं, और उन दोस्तों को भी नहीं मिलने दे रहे। मैंने बात करी, बहुत कॉलें करी, मेरा फोन काटा जा रहा था पुलिस वालों के पास। मेरे हस्बैंड का फोन है मेरे पास, मेरे हस्बैंड का फोन नहीं है। मेरे हस्बैंड का फोन गुम हो गया है, उसमें पता नहीं उन्होंने क्या लिखा होगा, क्या किया होगा। मुझे वो चाहिए, मेरे हस्बैंड का मैं कॉल कर रही हूँ। हस्बैंड का फोन बार बार काट रहे थे। सबसे इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून सब रगपत थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। ताल में युवक की हुई मृत्यु के मामले में कार्यवाही करते हुए छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, और पूरे प्रकरण में जो भी लापरवाही हुई है उसकी जांच SP नॉर्थ को दी गई है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी।